क्या हो गया बदना? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। प्लीज मैडम, कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। फेयर फाइट, नो फाउल्स। हाथ मिलाइए। अरे ये चाहिए करिश्मा मैडम। तो शुरू हो गया है कुश्ती का पहला राउंड अमरीक और करिश्मा सिंह के बीच। करिश्मा सिंह अपनी नजरें गड़ाए अमरीक की एक एक मूवमेंट को बड़े ध्यान से देख रही है। आप देख सकते हैं अनुभव भैया अभी तक काहे नहीं आए। तीन ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे बेवकूफ, हर बात पे मारना जरूरी है क्या? अरे मैं तो खुद देख रहा हूँ कि ये लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग? मूर्ख, करिश्मा सिंह हमारी बात सुनिए। डीएसपी सर पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब भी अच्छा मौका है, आप पीछे हट जाइए, ये आपको घायल करना चाहता है। नहीं, हमने उठकर गिरना नहीं सीखा है, हमने गिरकर उठना सीखा है। अब तो हम आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो या तो आर होगा या फिर पार होगा। ऑल द बेस्ट करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, ऑल द बेस्ट मैडम। Thank God. Jai Hind sir. Jai Hind. Jai Hind. वो तुम्हारी तीन कमजोरियों में से किसी एक पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन किस पे ये बताएंगी उसकी आंखें। बस तभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाना है।
क्या कर रहा तू? चिंता मत करो भाई, इस राउंड में इसको हरा कर छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, लेकिन अब इसे हराना इतना आसान नहीं है। आपका कोई भी पैंतरा, आपकी कोई भी तकनीक अब काम नहीं आने वाली। अब काम आएगा तो सिर्फ आपका जोश और आपका जुनून। याद करो वो वक्त जब आप सबके फैसले के विरुद्ध जाकर पुलिस में भर्ती होने का निर्णय लिया था। याद करो उस शपथ को जो आपने पुलिस में भर्ती होते वक्त ली थी। याद करो उस संघर्ष को जो आप इतने सालों से करती आ रही हैं। और बता दो सबको कि करिश्मा सिंह कौन है। जाओ। तो अब शुरू होता है थर्ड यानी कि आखिरी राउंड, जो कि डिसाइड करेगा इस अखाड़े का भविष्य। क्या दीप्ति चौधरी का सपना पूरा होगा या फिर आज के आज इसी अखाड़े में टूट जाएगा? देखते रहिए हमारे साथ। सॉरी सर, वो फ्लो में कोई बात नहीं। करिश्मा सिंह, बहुत बढ़िया। करिश्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ? बेकार की बहस कर रहे हो तुम हमारे साथ? जो काम तुम्हारी बहन ने कुछ दिन में कर दिखाया, तुम परसों में ना कर सके। ऐसे चलाओगे अखाड़ा? इधर आओ। आओ मैडम सर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें इस बात की बेहद शर्मिंदगी है कि हमने आकाश के गलत काम में उसका साथ दिया। हमें शर्मिंदगी है इस बात की कि हमने भी वही सोचा जो सारी दुनिया सोचती है, कि एक औरत का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है, घर की चार दीवारी में कैद रह के अपने संसार को चलाना है। नहीं, आज आपने हमारी सिर्फ आंखें ही नहीं खोली है, बल्कि हमारे दिमाग को भी नई रोशनी दी है। एक लड़की को पूरा हक है अपने पिता के सपनों को पूरा करने का। माँ बाप की विरासत पे बेटी का भी उतना हक है जितना बेटे का होता है। जी बिल्कुल, बेटा और बेटी समान होते हैं, सम्मान में भी और संपत्ति में भी दोनों का बराबरी का हक है। आकाश भैया, ये अखाड़ा आप ही संभालिए। मैं तो अपने ससुराल में ही बहुत खुश हूँ। बाऊजी के सपनों को अब आपको पूरा करना है। भैया, मेरा मकसद आपसे अखाड़ा छीनने का कभी भी नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि अगर कोई गिर जाए तो उसे दोबारा उठाया जा सकता है। देखा आकाश, तुमने अपनी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। ऐसी होती हैं बहनें, एक बार कलाई पर राखी बांध दी तो वो पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी, और अगर तुम गलत हो तो तुमसे भी लड़ जाएंगी। आज फिर से सही और गलत के बीच जीत सही की हुई। मैडम सर,
आपकी और आपकी पूरी टीम ने हमारे बहू जी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारा साथ दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, अब डीएसपी सर, वो रहे सर। अनुपया, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? आर यू श्योर? या आई एम श्योर। वैसे हसीना मलिक, हमने आपको वचन दिया था ना कि प्रतियोगिता के बाद यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, करिश्मा सिंह का। सच में सर, आज आपने जो कुछ भी किया है उससे आपने हमारा दिल जीत लिया। हम सबका दिल जीत लिया। करिश्मा सिंह, वेल डन। कितनी बार बताए पुष्पा जी नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है वो। क्या टोपा हो क्या? हम काय पैसे दे उनके गोलगप्पा के? हमने खाए गोलगप्पा? तुमने हमसे पूछा गोलगप्पा देने से पहले जो हम पैसे दें? सुनो, हमारा दिमाग नाच तपा हुआ है, बता रहे हैं। फोन थोड़ी देर और ऑन रहेगा ना तो फोन के अंदर से घुस के कंटाक्ट मारेंगे, समझ गए? रखो तुम। एक तो मैडम सर का नया ऑर्डर आया है कि काउंसलिंग भी हम ही संभालेंगे, हमको और कोई काम नहीं। आप और काउंसलिंग? जी ना लीजिए, बताइए। जिसके मार के डर से खुद दूसरा लोग काउंसलिंग लेने जाता है, अब वह काउंसलिंग करेगा? बहुत डेंजर वाला चीज है मैडम। पर काउंसलिंग लिए तो दिमाग चाहिए होता है ना। संतु जी, का बोली? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ठंडा दिमाग चाहिए होता है ना, पेशेंस वाला काम है, और आप इतनी गर्म दिमाग वाली है, हाई टेम्पर्ड वाली है, तो काउंसलिंग वाला जॉब बहुत मुश्किल होता होगा ना, तो मैं ऐसे आ रही थी। सब बकवास है ये, बता रहे हैं हम तुमको। कान के नीचे दो कंटा पड़ते हैं ना तो अपने आप सारे सुर बदल जाते हैं। थैंक यू मैडम। और ये बिल्ला कहाँ है सुबह से, आज दिखाई नहीं दे रहा है? बिलोटा? हाँ। मैडम, राजस्थान में ना अखिल भारतीय चोर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर ना सभी चोर लोग इसे मिले हुए हैं और इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अपना जो औधा है वो बढ़ाया जाए, कैसे पॉकेटमार से डकैत बना जाए। वहाँ का आयोजक लोग ना इसको ना स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया है बाकी चोर के काउंसलिंग के लिए। बताइए। ओ, तो बिल्लू राजस्थान गए? एक्सक्यूज मी, सॉरी। जी बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ? वो जी कॉटन सी बात है, बड़ा सिल्क सिल्क सा केस है, जरी वाली रिपोर्ट लिखवानी थी। का बोल रहे हैं सर? साड़ियों की दुकान है इनकी, 10 साल से साड़ियाँ बेच रहे हैं। साड़ियाँ बेचते बेचते उस धंधे में इतना घुस गए हैं, वैसे भी कुछ कहते हैं ना तो साड़ियों का जिक्र आ ही जाता है। बहुत खराब बीमारी है, किसी पढ़ा लिखा डॉक्टर को दिखाइए। वैसे क्या कह रहे थे साड़ियों के बीच में? का जी पूछ रहे हैं रिपोर्ट लिखवानी है, कहाँ लिखवाएं? देखिए वो हमारी एसआई मैडम है, रिपोर्ट ना वही लिखेंगी। आई आई अब इस सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई आई जाइए जाइए, लीजिए संतोष। मैडम रिपोर्ट लिखवानी है, बैठ जाएं? बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है, बताइए। मेरा नाम नुपुर है और ये मेरे पति सुधीर। गुटेदान नमस्कार मैडम जी। का मैडम, क्या है ना, इनका एक साड़ी का दुकान है और पिछले 10 साल से इन्हें लगातार साड़ी बेच रहे हैं, तो नॉर्मल आम बातचीत के दौरान भी ना साड़ियों का जिक्र अपने आप चला आता है इनकी जुबान में। तुम बहुत जानते हो इनके बारे में, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नहीं मैडम, इनकी पत्नी हमको बता रही थी, सारा बात वही बताई। तो और उनको बताने दीजिए, आप तकलीफ मत कीजिए, आप अपना तकलीफ बताइए। ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ लग भी रहे हैं। आप ना हमें साफ साफ शब्दों में बताइए कि क्या चक्कर चल रहा है आपका। बात दरअसल ये है मैडम जी, कल हमने न्यू ब्रांड देसी गोटेदार चमकती हुई सिफोन वाली काम वाली रखी थी घर का काम काज करने के लिए। आज सुबह अपना सारा सामान लेके घर से भाग गई। अब इनको हमारी बनारसी सिफोन साड़ी धर्मपत्नी को लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं। अब बताइए मैडम जी, हमने सिर्फ ईयरफोन लगाने से मना किया था, बस। ईयरफोन लगाने से मना किया था मतलब? देखिए मैडम जी, जब बात करते थे ना उसके कान में ईयरफोन लगा रहता था, गाना सुनती थी। अरे मैंने कहा भाई, दुकान में रेशमी साड़ी खुलने पर भी इतना नहीं फैलती जितना तुम यहाँ से फैल रही हो, थोड़ा लिहाज करो, मैं मालिक हूँ, बस यही यही कहा बस।
फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम जी, कल आई आज फुर, अरे मार्केट से पुरानी साड़ी का स्टॉक भी इतनी जल्दी गायब नहीं होता मैडम जी जितनी जल्दी वो गायब हो गई। अब हमारी धर्म पत्नी को लगता है कि मेरी बात से नाराज होकर चली गई, भाग गई। देखिए उसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, आपका वो निजी मामला है, आप अपने घर पे जाके उसको सुलटाइएगा, यहाँ मत लाइए उसको। बात है आपकी काम वाली बाई की, तो हमको ये बताइए कि वो कहाँ से आई थी और कुछ घर का कोई सामान लेके तो नहीं गई, क्योंकि आजकल इस तरीके के चक्कर का बहुत शिकायतें आ रही है मेड को लेके, तो क्या क्या है बताइए कहाँ से आई थी वो। बस बहुत हुआ, ये मैडम कब से मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही है और तुम बस मेरा मुंह देख रहे हो। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे साथ यहाँ कंप्लेन कराने आ गई, जा रही हूँ मैं। अरे सुनो बेबी बेबी बेबी, रुकिए रुकिए रुकिए, काम डाउन। जय मैडम सर। जय हिंद। देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, जब घर की मेड अगर अचानक से कहीं चली जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी, सारा कामकाज, सब कुछ घर की मालकिन पर आ जाता है, ये बात हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक, लोग रोज सुबह उठकर भगवान से भेंट मांगते हैं और हमने मेड मांग ली, जैसे तैसे तो भगवान ने हमारी सुनी, एक मेड मिली, उसे भी ना इस आदमी ने भगा दिया और खुद भी कुछ घर का काम नहीं करता है, और ऊपर से ये मैडम बोलती है कि इनको हमारी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है। अरे मैडम आप क्या जानो एक मेड की कीमत, औरत के सर का ताज होती है मेड, हर सुखी हाउसवाइफ के जीवन का ख्वाब होती है मेड। मैडम आप ही हैं जो हम हाउसवाइफ का दर्द समझ रही हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो भी आपकी बात समझती हैं, बस जाहिर करने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग। ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपकी बाई आरती मेड एजेंसी के थ्रू आई थी? जी जी वहीं से हायर किया था, आरती मेड एजेंसी। पिछले कई दिनों से इस आरती मेड एजेंसी से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। ये लोगों को मेड देने का कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट के बदले अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर उनसे ले लेते हैं, उसके बाद मेड आती भी है, दो दिन तक काम करती है और फिर घर का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है, फिर ना तो ये मेड मिलती है और ना ही ये एजेंसी। हाँ जी हाँ जी, 50,000 रुपए जमा किए थे बतौर सिक्योरिटी, आपका मतलब है 50,000 रुपए गए? मैडम जब आप इतना जानती हैं तो इन जालसाजों के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए हमने इस मामले की तहकीकात ऑलरेडी शुरू कर दी है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा वी विल गेट इन टच विद यू। गुड डे, नमस्कार मैडम जी। आप सब अंदर आइए। संतोष शर्मा, हमने आपसे इस फ्रॉड केस के बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। यस मैडम सर। तो कहाँ है? अभी अभी चाहिए? हमारे रिटायरमेंट के बाद तो थोड़ी देर हो जाएगी, नहीं? हाँ वैसे तो मैडम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, उतनी है जितनी कि ऑलमोस्ट हम सबको पता ही है, पर एक खास बात है इन ठग लोगों की कि वारदात के लिए हमेशा बड़ा शहर ही चुनते हैं क्योंकि वहाँ पे मेड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वैसे अभी तक ये कई लोगों को ठग चुके हैं और इनफैक्ट अभी हमारे शहर लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव है। बस गलती कर दिया उन्होंने लखनऊ में आके, अब एक एक को मार लगाएंगे हम, जुलूस निकालेंगे गाजे बाजे के साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जहाँ तक हमें खबर मिली है ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और उसमें कई सारे लोग शामिल हैं, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ कर, तैयारी के साथ और कानून के दायरे में रह कर करना होगा। संतोष शर्मा क्या लगता है आपको कि इस फ्रॉड के अगेंस्ट टोटल कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी होंगी अब तक? 60 to 70। 62 की 70। सॉरी। कम से कम ये अच्छी बात है कि इस बार हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है इस केस में, वरना ज्यादातर मामले जो यहाँ पर आते हैं वो हमें अनऑफिशियली सुलझाने पड़ते हैं। क्या लगता है आपको टीम, एनी सजेशन कि इस चीटर को कैसे पकड़ा जाए? सॉरी मैडम सर, लेकिन अब तक आपने पूछा नहीं था ना सजेशन के लिए, तो मैंने सोचा नहीं, अब आप पूछ ही रहे हो तो फिर मैं सोच के बताती हूँ। ये मासूमियत, ए भक्त, उठाकर बाहर फेंकेंगे तुमको थाने से अगर ये उफ़िया मासूमियत का रट्टा लगाया तो। आज के बाद तुम्हें मासूमियत और जड़ बुद्धि में फर्क समझ में नहीं आता है? हाँ उफ़िया मासूमियत, उफ़िया मासूमियत। हमारा सजेशन ये है कि गाड़ी निकालते हैं, जाते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, किसी ना किसी की चीख में सच निकल जाएगा, एक बार एक इंसान हमारे हाथ आ जाए फिर मसला ही खत्म ना, सारा रैकेट अंदर हो जाएगा। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ सुझाव देंगे, लेकिन अफसोस हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते कि इस रैकेट के पीछे असलियत में कौन है। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक पुख्ता केस जिसके लिए हमें चाहिए ठोस सबूत, इसलिए करिश्मा सिंह आपका ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। हमें भी बहुत अच्छे से पता था मैडम सर कि हम जो आपको राय देंगे ना वो आप बिल्कुल नहीं मानेंगी, क्योंकि आज तक नहीं मानी तो आज कैसे मान लेती। खैर हमने बोल के अपना काम कर दिया, आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, हम अपना ड्यूटी पर लग सकते हैं।
वैसे मैडम सर, हमारे दिमाग में भी एक ठो आइडिया फूटा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम छोड़े। हाँ हाँ बोलो। मैडम सर, हम क्या कहते हैं कि हम लोग खुद क्यों नहीं क्लाइंट बनकर या आरती मेड एजेंसी में जाते हैं और वहाँ से एक मेड हायर करते हैं, और जैसे ही वो मेड भागेगी हम लोग उसका पीछा करेंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ कर इस आरती मेड एजेंसी को एक्सपोज कर देंगे। एजेंसी बंद हो गई है तो हायर किसको करेगा? मैडम सर क्या है ना कि थोड़ा सा छानबीन हम किए हैं और हमको पता चला है ना कि जैसा आरती मेड एजेंसी था ना, ठीक वैसा ही एक दूसरा मेड एजेंसी सत्या मेड एजेंसी खुला है शहर में, और इसके खिलाफ भी ना बहुत सारा फ्रॉड का केस आ रहा है। तो मैडम हम कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर है कि कुछ कुछ करें क्यों ना। हाँ, हो सकता है कि इसी के जरिए आरती मेड एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत हमारे हाथ लग जाए और वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। तुम सही कह रहे हो चीता चतुर्वेदी, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच मैडम सर, थैंक यू। संतोष शर्मा, सत्य मेड एजेंट, आरती मेड एजेंसी के फंक्शनिंग के बारे में पता लगाइए, देखिए कि सत्य मेड एजेंसी से इसके क्या तालमेल है, किस तरह से ये लोग सिमिलर है। हो सकता है कि ये दोनों एजेंसी एक ही रैकेट का हिस्सा, हो सकता है इसे चलाने वाले लोग भी सेम हो, पता लगाइए। यस मैडम। चीता चतुर्वेदी, सत्या मेड एजेंसी और आरती मेड एजेंसी, इन दोनों में से जिसने भी बाइयां हायर की है उन सब से जाकर बात करिए, हो सकता है उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी मैडम सर। हेलो। हाँ प्रणाम चाचा। हाँ तो हम ये पूछ रहे थे कि सत्या मेड एजेंसी से आप मेड हायर किए थे ना? हाँ, तो कितना दिन बाद छोड़कर चली गई? का अगले ही दिन चली गई? अरे बाप रे बाप, तो फिर आप वो लोग से बोले नहीं कि दूसरा मेड भेजो? अच्छा, आप मतलब बोले थे आप, तो वो लोग क्या बोला? अच्छा, वो लोग बोलता रहा कि भेज रहे हैं पर भेजा नहीं। आ कितना दिन तक चलता रहा इसे? 15 दिन? बाप रे बाप। आ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी दिए थे आप? कितना रुपया? 60,000 रुपया। हम स्पाइडरमैन बोल रहे हैं, दीवार पर ऐसे चिपके चिपके सोच रहे थे कि क्या करें, बोर हो रहे थे तो सोचे कि आपको फोन करके टाइम पास कर लेते ना चाचा। कौन बोल रहे हैं? रखिए फोन चाचा। प्रणाम। जयहिंद, आपने बुलाया? जी करिश्मा सिंह, ये काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस है ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, और अब इन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है क्योंकि अब ये आम लोगों को छोड़कर पुलिस वालों को टारगेट करने लगे, वो भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, डीएसपी के लेवल के। डीएसपी मतलब अनु भैया? जी, आपके अनु भैया ने उस एजेंसी से काम वाली बाई बुलाई और सिक्योरिटी के डिपॉजिट 50,000 के साथ दोनों गायब। ये अनु भैया भी ना हमेशा गलत जगह फंस जाते हैं। हमेशा गलत जगह फंसते मतलब? नहीं, हमारा मतलब है कि यहाँ फंस गए ना। कहाँ? यहाँ ये मेड एजेंसी में फंस गए ना। अब देखिए ना, बहुत भोले हैं, बहुत सीधा स्वभाव है उनका, किसी के भी जज्बातों में आ जाते हैं वो, मतलब किसी की भी बातों में आ जाते हैं ना वो आसानी से। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके अनु भैया अब जज्बातों में फंस ही चुके हैं और विक्टिम बन चुके हैं तो उनसे एक बार जाकर मिल लेना चाहिए, हो सकता है उनसे और कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई सुराग मिले। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए कब जाना है, चल लेंगे। हाँ। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, हमें आपसे और भी कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना। हम आपसे एडवाइस मांगना चाहते हैं एक सिलसिले में। हमसे? हाँ, पर बात बहुत पर्सनल है। बेझिझक कहिए, हम भी पर्सनल लेवल पे ही सुन रहे हैं। ओके। दरअसल बात ये है कि जी बताइए बताइए आप। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो ये बात उसे बताना चाहती है कि वो उसे पसंद करती है, तो कैसे बताए? मतलब इस तरह से कि लड़की को बताना भी ना पड़े और लड़के को बिना कहे दिल की बात समझ भी आ जाए, तो क्या करना चाहिए? करिश्मा सिंह? हाँ, वो ये सब आपको क्यों जानना है? अब आपसे क्या छुपाना करिश्मा सिंह, दरअसल हमें कोई पसंद आ गया है, बहुत समय बाद कोई पसंद आया है, कोई
ऐसा लगा है जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे आइडियल लाइफ पार्टनर में हो, और अब हम ये बात उसे बताना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या, इसलिए हम आपसे। करिश्मा सिंह जी, आप खुश नहीं हुई हमारी बात सुनकर? नहीं नहीं हुई? नहीं हुए, हुए हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए हम, खुशी से हम पागल हो रहे हैं, हम फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से कि आपको कोई पसंद आ गया है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना मैडम सर। कौन कौन पसंद आया आपको? कौन है वो खुश नसीब जो आपको पसंद आ गया है? तजुर्बा कहता है हमारा कि बिना वजह जज्बात और बिना वक्त की बात दोनों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जब सही समय आएगा सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे। लेकिन पहले कुछ क्लैरिटी तो हो, कुछ बात आगे तो बढ़े, इसलिए तो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। हाँ हम सोचते हैं, हम आपको एडवाइस देते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। तो इसका मतलब ये है कि तुमको रिपोर्ट लिखवाना है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, इसको रिपोर्ट लिखवानी है, ये शादीशुदा है ना। एक मिनट, रे रे रे, इस शादीशुदा का रिपोर्ट से का लेना देना है? वो ये बताएगा, हम तो सपोर्ट में हैं। बदनाम भाई बोलो। ओ चीता, दरअसल पड़ोसी भी भाग गई है और उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया है, समझा क्या? कोई शक? ओए एक सेकंड, पड़ोसी की बीवी भागी और आप यहाँ पे आए हो रिपोर्ट लिखाने? अरे मैडम, तुमको हमारे तकलीफ का अंदाजा नहीं है, वो चपड़गंज रोज पार्टी कर रहा है। अच्छा, ये रिपोर्ट लिखवाना है तुम दोनों को? ये रिपोर्ट है? नहीं मैडम, ये इसका आइडिया था, हम लोग बाहर ऐसे खाली बैठे थे, कोई ग्राहक था नहीं, तो इसने बोला चलो थाने में टाइम पास करते हैं। हम तो थाने में टाइम पास करते हैं? आओ थोड़ा और टाइम पास करते, आओ उधर उस तरफ मुंह करो, चलो आगे चलो आगे चलो चलो उधर तरफ उड़ता तीर है, देखो जरा कहां, देखो दोनों। अच्छी भाई, मैया की सासू मैया टाइम पास करोगे अब तुम? वो बकलौली कर रहे थे तो तुम भी बकलौली कर रहे थे। मैडम उसको तो बहुत मजा आ रहा था। हाँ, ना तुम? हमको बुरा लग रहा था मैडम, हमको बुरा लग रहा था, हम मना कर। इन दोनों को क्या हुआ? जैन मैडम सर, नथिंग मैडम सर, नथिंग, कुछ भी नहीं, वो लोग बस यहाँ पर आकर बैठ गए थे और जिद कर रहे थे कि हम लोग को रॉकेट देखना है, रॉकेट देखना है, तो करिश्मा मैडम ने उन लोगों को लड़ाकू विमान दिखा दी, देख रहे हैं उन लोग। संतोष शर्मा, यस मैडम सर, इस मेड केस का कोई अपडेट? यस मैडम सर, इन्फॉर्मेशन निकाली और ये पता चला है कि दोनों एजेंसीज का वर्किंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहली मेड को भगाने के बाद दूसरी मेड के लिए कंपनी से फोन आते रहते हैं और दूसरी मेड भेज रहे हैं ये बोल के दूसरी मेड भेजते ही नहीं है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, नया क्या है? हाँ, नई बात ये है मैडम सर कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, लेकिन वो ये मानते नहीं है कि मैं समझदार भी हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ। हूँ मैं। हैं आप? केस के बारे में कोई अपडेट? हाँ, केस के बारे में मेरी नज़रों में ये आ रहा है मैडम सर कि दोनों एजेंसीज की जो बंद और खुलने की डेट है ना, वो थोड़ी वियर्ड है। जिस दिन आरती मेड एजेंसी बंद हुई, ठीक उसी दिन दूसरे जगह सत्य मेड एजेंसी जो है वो खुली, और इन केसेस के पिछले रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि एक दिन अगर एक कंपनी बंद होती है तो उसी दिन दूसरी जगह दूसरी एजेंसी खुलती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना कोइंसिडेंस पॉसिबल है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों एजेंसीज शामिल हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है जो कभी बंद नहीं होता। चीता चतुर्वेदी, तुम्हारे सुझाए हुए प्लान पर काम करेंगे, उस एजेंसी से एक बाई हायर करेंगे, जब वो भाग जाएगी तो उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसके थ्रू उस पूरे गैंग को भी पकड़ लेंगे। करिश्मा सिंह जी, अब पिछले दिनों कुछ परेशान थी, कह रही थी कि आपकी मेड छुट्टी पर जाने वाली है। हाँ, मलाइका ना? मलाइका, वो गई कि है? जाने वाली है। जाने वाली है, परफेक्ट। का नहीं नहीं, केस के लिए परफेक्ट। अब आप उस एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगी और एक काम वाली हायर करेंगी। हम करेंगे, क्षमा कीजिए हमें, हम ये काम नहीं कर सकते, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। आप एक काम कीजिए ना, आप कर लीजिए ना, मकसद तो केस सॉल्व करना है, आप करें हम करें, तो आप हायर कर लीजिए भाई, हमसे नहीं होगा ये। अगर हम कर सकते तो हम कर लेते, लेकिन हमारी बाई ऑलरेडी यहाँ पर है, काम कर रही है, और दूसरी वो हमारी अम्मी के जिगर का टुकड़ा है, हमने अगर ऐसा कुछ कहा तो अम्मी हमें घर से निकाल देंगी पर उसे नहीं छोड़ेंगी। आप समझ नहीं रही हैं, नहीं होगा ये, मलाइका है वो, भौकाल मचा देगी पूरे घर में अगर उसको पता चला कि कोई नया मेड आ रहा है। अच्छा, जिसके भौकाल से पूरा शहर कांपता है वो एक मेड के भौकाल से डर रही? आप नहीं जानते हैं कि वो क्या है, आपके लिए सिर्फ एक मेड है लेकिन हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है वो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप किसी और से करवा लीजिए।
करिश्मा सिंह, ये काम तो आपको ही करना होगा। नहीं, हम नहीं कर सकते। करिश्मा सिंह, दैट्स एन ऑर्डर। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। ए संतु, तुम्हारा लैपटॉप किधर है? यहीं पे मैम। आप हमें थोड़ा समय दीजिए। तो ये है मलाइका सिंह। उम्र है 35 साल, लंबाई है 5'4". इनका रंग सफेद है, इनका वजन है 85 किलो। करिश्मा मैडम जी, आपने एकदम सही कहा था, ये तो पूरी ब्रह्मांड है। सॉरी, मेरा मतलब है ब्रह्मांड से थोड़ी ज्यादा है। अब सुनिए, मलाइका सिंह नाम है, बहुत ज्यादा मेहनती है, खाना लाजवाब बनाती है, घर का साफ सफाई बहुत बढ़िया करती है, और सबसे अहम बात, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। मलाइका हमें टाइम पे खाना देती है, तो हम और पुष्पा जी टाइम पे यहाँ पे ड्यूटी पे आ सकते हैं। मलाइका टाइम पे पूरा काम करती है, जो लल्ला है वो भी टाइम पर अपने काम पर पहुँचते हैं और खुश रहते हैं। खुश रहते हैं तो अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, ध्यान ज़्यादा लगाते हैं तो उनका सैलरी बढ़ जाता है, और जब सैलरी बढ़ जाता है तो घर में बचत ज़्यादा हो जाती है। तो मलाइका सिर्फ घर का सुख शांति नहीं, इस घर में आने वाली कमाई का भी बहुत बड़ा योगदान है मलाइका का। अतिशोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि हमारा घर अगर चल रहा है तो वो सिर्फ मलाइका सिंह के कारण चल रहा है। अब ये तो था मलाइका का महत्व। अब मलाइका को गुस्सा किन किन बात पर आ सकता है? मलाइका को गुस्सा आ सकता है अगर हमने उनके काम में कोई गलती निकाल दिया तो। मलाइका को गुस्सा आता है अगर किसी दूसरे मेड की एंट्री हमारे घर पे हो जाएगी तो। इसीलिए, क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर मानती है, हम सबको अपना परिवार मानती है। अगर मलाइका हम में से किसी को कुछ भी कह देना तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, हमारा हिम्मत नहीं होता है कि पलट के हम उसको जवाब दे दें। अब अगर मलाइका घर में नहीं होगी तो खतरा क्या क्या हो सकता है चीते? पुष्पा जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, लल्ला का फ्यूचर एकदम गड्ढे के अंदर घुस जाएगा। अब भी आप चाहते हैं कि हम मलाइका की जगह दूसरा मेड लाए और ऐसा भौकाल मचा दे हमारे घर पर? बताइए। संतोष, पानी। हाँ। ये मासूम हरकत बिल्कुल भी नहीं है मैडम। ना करिश्मा सिंह, देखिए करिश्मा सिंह, पहली बात कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया आपने, दूसरी बात माफ कीजिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम आप ही को करना होगा। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी क्यों परेशान हो रही है, बात तो सिर्फ एक दिन की है ना। एजेंसी के पैटर्न के हिसाब से वो काम वाली सिर्फ एक दिन के लिए आएगी और अगले दिन भाग जाएगी, तो इस एक दिन में वो कब आई कब चली गई मलाइका को कैसे पता चलेगा? वो तो गांव में होगी ना छुट्टी पर। नहीं नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है हमारी जिंदगी। सुनिए सुनिए सुनिए, काम डाउन। देखिए, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो हम दोनों हैं, मिलकर संभाल लेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप इसका पूरा जिम्मेदारी लेती हैं? ठीक है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हम अकेले इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अब ठीक है, तो अब प्लान के हिसाब से सत्या मेड एजेंसी को कांटेक्ट करिए और एक काम वाली हायर करिए। इस घर में कमरे कितने हैं? 3 कमरा है। लोग? 3। एसी है? केबल कनेक्शन है ना? हाँ है। रिश्तेदार तो ज्यादा आते जाते नहीं है ना? नहीं। देखिए, परफ्यूम फ्लोर क्लीनर के बाद ही पोछा करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब सबसे जरूरी बात और बात है। हाँ तो है ना। बताइए बताइए बताइए। भाई कोई नहीं बोलेगा, नाम बता दिया है, नाम है शंदो। अगर हम थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो आप बार बार फोन मत कीजिएगा, हम कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, शनिवार मंगलवार और बृहस्पतिवार नॉनवेज नहीं बने। नहीं नहीं, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्या है, हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है नॉनवेज। हमें भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, आप हमें आप कहिएगा, हमने बोल दिया है। क्या है कि तू तड़ाक तुम हमें पसंद नहीं है। हाँ सही है, हमको भी नहीं पसंद, आप बोलेंगे। आपको आज के बाद खाने में नमक थोड़ा ज्यादा रहेगा। काहे? हमको हमको खाने में ना तेज नमक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पसंद है ना। ठीक है, तो हो गया आपका फिलहाल। फिलहाल आप एक काम कीजिए ना, आप जाके कड़क चाय बना के लाइए हमारे लिए, रसोई उस तरफ है। उधर? जी उधर। हाँ। mm.
कुछ भी हो, जैसा तुमको कड़क चाय कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया। तुमने आपने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही कड़क चाय बनाया है। क्योंकि हमें पसंद है ना, हम ऐसी ही चाय पीते हैं। नहीं कुछ भी कहो, आज के जमाना में आप जैसा काम वाली बाई मिले। हाँ आया आप जैसा ही कोई मिलना शनो रानी बहुत मुश्किल है। ये ठीक है, तो आज से भी घर का मालकिन आप। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं 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 मलाइका मलाइका बात सुनो, ऐसा कुछ हमारे जाते ही आपने काम वाली रख ली। काम वाली बोल रही है तो फूल वाली बोलो अब। हमारा बात तो सुनो। अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या दीदी, हमारी गांव की ट्रेन अगर कैंसिल ना हुई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जगह यहाँ किसी और ने ले ली है। इतनी बार कहा है पुष्पा जी से ओवर एक्टिंग की क्लासेस मत लिया करो। नूडल्स भी बनने में 2 मिनट लगते हैं दीदी, आपने हमें 1 सेकंड में पराया कर दिया। नहीं मलाइका मर गई, मलाइका जा रहे हम ये घर और रिश्ते तोड़कर। नहीं नहीं मलाइका मरवाओगी हमको, जा रहे हम इस जमाने हर जाए, हो सके तो भिजवा देना मेरा गद्दा और रजाई। गुड बाय दीदी, अलविदा। नहीं सामान सामान। सच में तुम्हारी बहुत याद आती है, अगर हमारा बस चले ना तो सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ ही रहे हमेशा अनु। पर क्या करें, ड्यूटी है। चलिए फोन रखते हैं, हमें बहुत सारा काम। टेक केयर अनु, लव यू, बाय। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? नहीं वो कर लीजिए आप, बात कर लीजिए। हमारी बात हो गई, कहिए। नहीं डीएसपी सर बुरा मान जाएंगे ना, आप कर लीजिए बात। डीएसपी सर? हाँ अभी आप फोन पे कह रही थी ना टेक केयर अनु। नहीं नहीं हमारी दोस्त है, उसका नाम है अनुराधा, हम उससे बात कर रहे थे। प्यार से हम उसे अनु कहते हैं। हम डीएसपी? ए चीते कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, क्या हम है? काम कर लो थोड़ा। सुता रहते आप बताइए, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमें जिस चीज का डर था वो हो चुका है मैडम सर। मलाइका का ट्रेन कैंसिल हो गया, वो घर आई, उसने एजेंसी वाली मेड को देखा और घर छोड़कर चली गई, काम छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे पुष्पा जी के लल्ला को? उनको पता चलेगा ना मलाइका नहीं है तो सहम जाएंगे, उनको सदमा लग जाएगा। और पुष्पा जी वो तो आके ऐसा प्रलय मचाने वाली है ना, हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है मलाइका के बिना और वो चली गई है। आप तो हमारे घर का पूरा सुख शांति ही लील गई है। माफ कीजिए, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से वापस आ जाएगी और ये सब हो जाएगा, हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से हमारा समस्या का हल तो नहीं निकल जाएगा ना मैडम सर? करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मानते हैं कि हमारी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई। थोड़ी आपको? सी घर में ना भौकाल मच गया है, आप कह रही थोड़ी सी परेशानी, आपके चक्कर में ना हम केस के चक्कर में, केस के लिए कर रही हैं आप ये सब, हमारे लिए कोई पर्सनल काम हैंडल नहीं कर रही है। आपके अनु भैया। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना जी, हम आपसे उस मेड एजेंसी केस के सिलसिले को लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, क्या आप दोनों अभी हमारे दफ्तर आ सकती हैं? श्योर सर, 10-15 मिनट में हम दोनों पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, सीनियर का बुलावा आया है केस के सिलसिले में बात करनी है, और उम्मीद करते हैं कि आपके और हमारे डिफरेंसेस उनके सामने शायद नहीं दिखाई देंगे। काहे नहीं दिखाई दे, उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने हमारे साथ क्या किया है। अपने मेट को बचाने के चक्कर में आपने हमारे मेट का बलि चढ़ा दिया है, ऐसा गेम खेला है आपने हमारे साथ मैडम सर। तो
एक बार फिर से आप दोनों के बीच विवाद छिड़ गया और इस बार मुद्दा है ये केस फर्जी मेड एजेंसी। तो क्या हम जान सकते हैं कि इस विवाद की नौबत आई कैसे? जैसे कि आप जानते हैं आरती मेड एजेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है, आप खुद भी इसके शिकार रह चुके हैं। सर एक बात पूछनी थी आपसे। पूछे ना। सर आप इतने शार्प, इंटेलिजेंट और मैच्योर पुलिस ऑफिसर हैं, आप कैसे इस फ्रॉड का शिकार हो गए? दरअसल ये हमारे साथ नहीं, हमारी माता जी के साथ हुआ है। क्योंकि उनकी तबीयत काफी नरम रहती है, उनका ख्याल रखने के लिए हम उनके साथ काफी समय बिताते हैं। अब हमारी माता जी को हमारी भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें बिना बताए उन्होंने इस फर्जी मेड एजेंसी से मेड हायर कर ली और परिणाम यही हुआ कि हम भी उस मेड एजेंसी के शिकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। ये है वो न्यूज़पेपर जिससे हमारी माता जी को उस मेड एजेंसी का नंबर मिला था। हसीना जी आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, जूस? नो सर। यहाँ के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं, टेस्ट करना चाहेंगी? नो सर, थैंक यू। आप? जी हम चाय ले लेंगे। नहीं हम वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ कह रही थी, कंटिन्यू कीजिए। अगर चाय पीनी है तो? नहीं 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 पीना है। हाँ हम क्या कह रहे थे कि आरती मेड एजेंसी के बाद सत्या मेड एजेंसी जो खुला है, तो हमने ये प्लान बनाया कि क्यों ना नकली क्लाइंट बनकर उनको कॉल किया जाए और उनसे एक मेड हायर किया जाए। जब मेड आएगी और भाग जाएगी तो उसका पीछा करके ये जो पूरा फांडा है इस रैकेट का वो फोड़ा जाए। अद्भुत। जाहिर सी बात है कि ये प्लान आपका ही होगा। जी सर। लाजवाब प्लान था हसीना जी, ब्रिलियंट। थैंक यू सर। ये लाजवाब और ब्रिलियंट प्लान के वजह से हमारा घर का सुख शांति जो है वो छिन गया है। आपको पता है मलाइका घर छोड़कर काम छोड़कर चली गई। क्या? जी। इसका मतलब आप पुष्पा जी और जीजा जी बेसहारा हो गए? ये तो बहुत बुरा हुआ करिश्मा सिंह। सर हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था? ये खुद भी तो हायर कर सकती थी ना अपने घर के लिए, हमको काय फंसा दिए। हमारे घर पर ऑलरेडी एक मेड काम कर रही है, उसे निकाल कर हम। देखिए हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इनकी मलाइका जी की ट्रेन कैंसिल हो जाएंगी और वो वापस आ जाएंगी, इस सब में हमारा क्या कसूर? बिल्कुल सही। अनु भैया? सर। सर अनु सर? नहीं पूरी तरह भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बेचारी करिश्मा सिंह इसका शिकार हो गई ना। वैसे करिश्मा सिंह की भी गलती नहीं है, वक्त ही खराब था जो मलाइका वापस लौट आई। समस्या जटिल है लेकिन इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे हमारे दिमाग में एक आइडिया है इस समस्या के निवारण का। आप दोनों कृपया करके यहाँ आ जाइए। आइए आइए। अब आप दोनों एक दूसरे से विपरीत यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पीट करके खड़े हो जाइए। हसीना मलिक आप ये पकड़िए, करिश्मा सिंह जी आप इस कैंडल को पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ वो भी बिना मुड़े, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता अनु सर। कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा करिश्मा सिंह, बस संभव की संभावना को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रयास तो कीजिए। करिश्मा सिंह आप ये पकड़िए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हसीना मलिक की कैंडल करिश्मा सिंह के हाथ में है और करिश्मा सिंह की कैंडल हसीना मलिक के हाथ में है। अब आप दोनों को बिना मुड़े, बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी कैंडल्स बुझानी है। सॉरी मैडम सर। सॉरी करिश्मा सिंह। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा है अनु भैया, अनु सर। हाँ सर ये नहीं हो सकता। एक और बार प्रयास करके तो देखिए।
करिश्मा सिंह, आप हमारी कैंडल बुझा दीजिए और आप हमारी। तो आप इसका तात्पर्य समझ गई होंगी। कार्य कितना भी असंभव हो, अपने साथी की मदद से उसे संभव कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण है टीम की अहमियत और उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। हमें लगता है कि अगर मलाइका करिश्मा सिंह की बात नहीं मान रही है तो मलाइका को मनाने का प्रयास आपको करना चाहिए हसीना मलिक। You're right, sir. करिश्मा सिंह, मलाइका को हम मनाएंगे और जब तक वो नहीं मानेगी हम आपको कोई नया ऑर्डर नहीं देंगे। चलते हैं सर। सर, एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप अपनी माताजी को लेकर जितने डेडिकेटेड हैं, उनसे जितना प्यार करते हैं, सच में ऐसा बेटा मिलना बहुत नसीब की बात है। हसीना जी, हम केवल एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हमसफर भी बन सकते हैं। कोई मौका तो दे। और मामले की जांच कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आपने बुलाया? जी सर, को ठंडा पानी का जरूरत है। चले जी। yeah. yeah. चिता भाई, ए चिता भाई, तुम जिंदगी में यार करना क्या चाहते हो? शादी। मतलब बनना क्या चाहते हो? दूल्हा। गया 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 गया, एक और इसकी राह में कुर्बान। इसको उस दुनिया से, हकीकत की दुनिया में लाने के लिए बस एक ही तरीका है। क्या? अपनी चाय पिला। अरे ये लो बदनाम स्पेशल, प्योर मूड फ्रेश कीजिए। बच गए तुम, बच गए तुम बदनाम, तुम बच गए भाई। अगर तुमको पता है, अगर शाहजहां के जमाने में तुम होते ना, और गलती से भी शाहजहां ने तुम्हारे हाथ का ये चाय पी लिया होता ना, तो सबसे पहले शाहजहां तुम्हारा हाथ कटवाते। क्या तुमको पता है, नाला के पानी में सड़ा हुआ प्याज टमाटर और मूली 10 दिन रखने के बाद से जो मिश्रण तैयार होता है ना, वो भी तुम्हारे चाय से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कौन सा पानी बोला इसने? कौन सा मिश्रण? नाले वाला ना? नेक्स्ट टाइम इसको यही पिलाएगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ क्या हुआ? संतु जी, संतु जी, क्या बताएं? क्या चाय लाऊं? नहीं, बस यही हुआ है मेरे साथ, इसके चाय का बवाल है। खैर, आप कहां इतना उदास है संतु जी? गुड मॉर्निंग तो बोले थे हम आपको आज सुबह में। यही चीते करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो ये दोनों इतना लड़ते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इनका झगड़ा कभी बंद होगा भी या नहीं। झगड़ते वो है, टेंशन यहाँ पे मुझे हो जाती है। आपको पता है वैसे थाना में वो जो हो रहा है ना अभी, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच में जो तना तनी चल रहा है ना, ये बात जो है ना, ये थाना से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या है कि थाना का बात थाना में रहे तो ही बेहतर है। ओह नो। क्या हुआ? वो मैंने बता दी ये बात। कि किसको? सनी को। संतु जी, अरे कैसे कैसे वो चंडाल के जंजाल में बार बार फंस जाती हैं आप संतु जी? अरे पत्रकार है वो, खबर के लिए किसी का कब्र भी खोद सकता है वो। क्या हुआ, किसका मैसेज है संतु जी? करिश्मा मैडम का बुलाया है। संतु जी, संतु जी, यस मैडम। बाप रे, पढ़ो इसको, पढ़ो। देश भर के कई इलाकों में बिन मौसम मूसलेदार बारिश, लड़कियों का मेकअप धुलने से 14 लड़कों को हार्ट अटैक। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये इधर है। फिर से महिला पुलिस अफसरों के बीच कैट फाइट, महिला पुलिस थाना की सीनियर ऑफिसर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। कार्टून भी छपा है इसमें, करिश्मा मैडम कितनी अच्छी लग रही है।
नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कार्टून में कोई थोड़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही बोल रहे थे। किसका हिम्मत? हाँ? तुम दोनों में से किसका हिम्मत हुआ ये बात बताने का जो अखबार तक छप गया है? किसने पहुंचाई ये बात सनी चड्डा तक? ये थाने तक बाहर कैसे गई ये बात? हमने किया मैडम। हमारा गलती है ये मैडम। तुम किए हो ये चीता? हाँ मैडम, हाँ मैडम, हम ही है वो भीषण जो सनिया के सामने जाकर मुंह फाड़ दिए। हम हमसे गलती हो गया। तुम्हारी तो मैडम, मैडम एक मिनट, मैडम हिम्मत कैसे हुआ? हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। संतु जी पता, अरे मैडम लेकिन आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा से हमसे ये गलती नहीं होगा। और मैडम एक बात और, एक बात और, ये जो गलती हुआ है ना मैडम, इसके लिए आप हमको जो भी सजा दे हमको सहर से स्वीकार है। सॉरी, आई एम सॉरी। चार बार लिखो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। वाह मैडम, मतलब वाह मैडम वाह, जितना बड़ा आपका भौकाल है ना मैडम, उससे भी ज्यादा बड़ा आपका दिल है मैडम। इतना बड़ा गलती का इतना छोटा सा सजा, चार बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे। हजार? एक्सक्यूज मी, क्या हजार संतु जी, क्या हजार? चार हजार बार लिखना है। नहीं सुने ना संतु जी, ऐसा थोड़ी बोली है मैडम, चार हजार बार नहीं। ये तो मैडम है इतनी अच्छी कि 4000 बार बोला है, वरना तूने जो किया ना 4 लाख बोलती है। 4 लाख मैडम? 4000 नहीं, 4 लाख। 4000 मैडम, ठीक है 5000 पे डील फाइनल मैडम। संतु जी प्लीज 4 लाख मत बोलिएगा दोबारा। संतु हाँ, जिस अखबार में आरती मेड एजेंसी का जो एड आया था, पता करो उस दफ्तर में कॉल करके कि कोई बंदा आया था क्या वो एड लेकर। अगर कोई बंदा आया तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, स्पॉट करो उस बंदे को और मैडम सर को रिपोर्ट करो, समझ गए? ओके मैडम, तुम लिखो। हाँ मैम, लिख 5000। ऐसे नहीं करना चाहिए था संतु जी। चलो चलो जल्दी, अरे प्लीज सूटकेस उठा के अंदर रख दो रिक्शा में। अरे सूटकेस उठा रहे हो या डोली? अरे मलाइका जी, मलाइका जी, अरे जल्दी उठाओ, डालो डालो अंदर। मलाइका जी रुको रुको रुको, चलो। अरे हसीना मैडम, जय हिंद। लगता आपकी फिर जीप खराब हो गई क्या? आइए आपको कहीं छोड़ देता हूँ। नहीं हमारी गाड़ी ठीक है, आप सूटकेस रखिए, हमें जरा बात करनी है। हाँ बताइए ना मैडम, क्या बात करनी है? मलाइका जी हमारी बात सुनिए। देखिए हम जानते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें करिश्मा सिंह की कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। आपने? हे भगवान! ऑटो पे रहम करो। आपने कहां सो कहां? करिश्मा दीदी मान कैसे गई आपकी बात? देखिए मलाइका, हम ये सब एक केस के लिए कर रहे हैं। सुना होगा अभी वो काम वाली बाई का जो फ्रॉड केस चल रहा है लखनऊ में? हाँ हाँ, वो धोखे से पैसा लेके भाग जाती है। करेक्ट, बिल्कुल सही, वही वाला केस। देखिए क्या है, हमने उस एजेंसी से एक काम वाली बाई बुलाई है, ठीक है? अब उस बाई के जरिए हम उस पूरे गैंग को पकड़ेंगे। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही समझा मैडम, क्या आइडिया है, वाह। आप सच कह रही है ना? हाँ हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब हम केस के लिए कर रहे हैं और करिश्मा सिंह की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपको बड़ी बहन से बढ़कर मानती है। उस घर में कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको निकाल दिया जाए, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता वहाँ। तो एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, हम इस गैंग को पकड़ लें कि फिर वो घर वापस आपके हवाले। अरे आप रखिए सामान। अरे आपको इतने समझाया फिर भी आप, हम आपको नहीं जाने। अरे छोड़िए। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं उन्हें छोड़कर? तो फिर ये सूटकेस खाली है। अरे लिए थे किसी से गांव जाने के लिए, अभी लौटाने जा रहे हैं। हाँ विश्वास है आपके ऊपर, करिश्मा दीदी से आपके जज्बातों की बातें सुने हैं। बिल्कुल सही कह रही है ये, हमने भी सुने मैडम आपके जज्बातों के किस्से, कि आप कहती रहती है हमारा तजुर्बा कहता है। नाराज नहीं है हम उनसे, तो इजाजत हो तो जाए। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। हाँ। अरे कामों कहीं करिश्मा सिंह इतनी परेशान हो रही थी कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा, ये तो आसान था। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे सो ना, सो मत, सो जा सो जा सो जा सो जा। नहीं नहीं मैडम, सॉरी सॉरी मैडम, बोलिए सॉरी। वैसे मैडम आप इतनी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? अच्छा ठीक है मैं गैस करती हूँ। करो 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 गैस करो। परसों जो मार्केट में हमने साथ में सूट लिया था उसका मैचिंग का दुपट्टा मिल गया होगा।
पुष्पा जी कुछ और दिनों के लिए नहीं आ रही है। खुशी का बात है लेकिन ये खुशी नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है आपके खुश होने की? संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, अभी थाना में करंट मैटर कौन सा चल रहा है, काम वाली का है? तो हमको क्या लगता है ना कि मैडम जो काम वाली हायर की थी ना, उसका दूसरा दिन हो गया है, तो आज वो भाग गई होगी, और उसके भागते ही मलिका के वापस आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसीलिए मैडम खुश है। कुछ नहीं, भागी भागी है मैडम, सर का प्लान फ्लॉप हो गया, एकदम जजमेंट ही खराब था उनका। क्या बात कर रही है मैडम, और काम वाली नहीं भागी तो कहां इतना खुश है आप? देखो चीता, बात क्या है, मैडम सर ने हमको कहा था बाई हायर करने का, तब हमसे बोला गया था कि अगर मलाइका घर से भाग जाती है तो ये पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी मैडम सर। अब तो अनुभया ने भी आदेश दे दिया कि मलाइका का घर तक आने का जिम्मेदारी मैडम सर का होगा। हाँ, अब असल में आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब उनको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है मलाइका को मना कर इस घर में वापस लाना। वैसे मैडम, आपने कहा था ना आरती मेड एजेंसी का पता करने के लिए कि ऐड करने के लिए कोई खुद आया था कि नहीं आया था। वैसे आपका अंदाजा एकदम सही था, एजेंसी से ऐड देने के लिए उन्हीं का आदमी आया था। न्यूज़पेपर ऑफिस से मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है और उसमें उस आदमी का फोटो कैप्चर हुआ है, ये देखिए। नहीं नहीं, हमको नहीं देखना है संतू, अब इसको देख के कोई फायदा ही नहीं है ना। दिखाओ मैडम सर को, वो देखेंगी, वो संभालेंगी इस केस को। हमें पता चल गया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का दिशा ही एकदम गलत था। अब वैसे भी हमारे पास इस केस के लिए समय नहीं है, हमें इससे इम्पोर्टेंट केस मिला है, हमें उसको सुलटाना है जितना जल्दी हो सकता है। कौन सा केस मैडम? आरती मेड एजेंसी ने हमें जहां पे पहली बार भेजा था ना, वहां के हमारे पहले मालिक और उनकी बीवी बहुत ही बेरहम और जालिम थे मैडम। ये जैसे लगाए ना वैसे पीठ पे है, और ये देखिए पैर पे भी है। फिर ना एक दिन मौका देखकर हम वहां से भाग निकले, किसी ने हमें सत्यमेड एजेंसी का नाम बताया, तब पता चला कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, वरना हमारे पहले मालिक जैसे लोगों के हाथों से ना हम अभी तक पिटते रहते। तुम चलो हमारे साथ अभी बताओ। मैडम जी कोई फायदा नहीं है। काहे फायदा नहीं है? अरे वो लोग तो कब के भाग गए घर छोड़ के। सब जानने के बाद से तो यही जाहिर हो रहा मैडम कि सत्या मेड एजेंसी बिल्कुल भी गलत नहीं है, गलत तो आरती मेड एजेंसी है जो भाग गया। असली मुजरिम तो ये शन्नो के पहले मालिक जैसे लोग है जो अपने यहाँ काम करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। मिलेगी संतू, सजा मिलेगी, इंसाफ होगा शन्नो के साथ। ये जो मेड स्कैम का केस चल रहा है अब ये मैडम सर संभाले, हमको ये पति पत्नी हमारे यहाँ थाने में चाहिए। शन्नो आ रही है, स्केच वाले को बुलाओ, पति पत्नी का स्केच बनवाओ, अब हम भी देखते हैं कि हमारे भौकाल से कैसे बचते हैं ये पति और पत्नी। मैडम सर, ये है वो सीसीटीवी फुटेज और ये है वो आदमी जो एड देने के लिए आया था। अरे वाह, इसमें तो उसका चेहरा बहुत क्लियरली दिख रहा है। गुड जॉब संतोष शर्मा। ओके, तो अब इसकी एक एक कॉपी और केस की डिटेल्स जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर भिजवाओ, और उनसे कहो कि जैसे ही इस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। क्लियर? यस मैडम सर। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। देखा तेरा मौसम, देखी तेरी बुराई, जो मिला बेवफा मिला, इस जमाने हर जाए। ये तो बिल्कुल पुष्पा जी जैसा कर रही है। ट्रेनिंग भी तो उन्हीं से मिली है ना। मलाइका क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? आप भी औरों की तरह निकली मैडम सर जी, आपने भी हमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? देखा, ये खुद भूल गई संतोष मैडम जी, इन्होंने कहा था कि एक दिन की बात है, फिर वो नई काम वाली चली जाएगी। हाँ तो गई नहीं ना वो नागिन, पूरे घर पर डेरा जमा कर बैठी है और सबसे नागिन डांस करवा रही है वो चुड़ैल। एक सेकेंड, नागिन है कि चुड़ैल है वो क्लियर कर दो। देखो, क्योंकि अगर नागिन है तो फिर वो डेरा कैसे डालेगी, और अगर चुड़ैल है तो फिर वो नागिन वाला डांस कैसे करेगी। देखो लॉजिकली ना, चुड़ैल है तो फिर वो डांस ही करवाएगी कायदे से, है ना मैडम? मैं सब लॉजिक में जा रही हूँ। देखो चुड़ैल, मलाइका, मलाइका देखो, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो भाई अब तक वहां टिकी हुई, हमारे हिसाब से तो उसे एक ही दिन में भाग जाना चाहिए था, और करिश्मा सिंह ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब वो क्यों बताएंगी आपको, उन्हें थोड़ी ना जरूरत है मेरी, अभी हमारी जगह तो ले ली है उस चुड़ैल ने, काम वाली। गलती हमारी ही है जो हम पहले उनकी और फिर आपकी बातों में आ गए, अब नहीं आएंगे किसी की बातों में, जा रहे हैं हम। कहाँ? घर। अरे पर अभी तो कहा ना कि वहाँ पर वो नागिन है, चुड़ैल है, काम वाली है। हम अपने गाँव जा रहे हैं,
अपने घर, अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। देख राम जी की। मलाइका मलाइका मलाइका। अम्मा कुछ भी कहे नहीं, मेड आई है ना शन्नो। क्या टेस्ट खाना बना दिया, मजा आ गया। हाँ ठीक है, मलाइका भी ठीक ठाक खाना बना लेती है। ये खाना तुम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 5-star होटल से सीधा डिलीवरी यहाँ हो गया है खाने का। इतना लाजवाब टेस्टी, मजा आ गया यार। क्या इशारे कर रहे हो? तुम तो ऐसे इशारे करो जैसे मलाइका हमारे पीछे खड़ी हो। हमारे पीछे खड़ी है क्या? ऐसा मलाइका को लगेगा कि हम ना शन्नो के लिए बोलेंगे कि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीते हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जब से हमने ये घटिया शन्नो का खाना खाया ना, कसम से बता रहे हैं, हमको मलाइका का ना इतना याद आता है उसके हाथ के खाने का, उससे अच्छा खाना जिंदगी में किसी ने नहीं बनाया। पुष्पा जी ने भी नहीं, बता रहे हैं तुमको, ये कोई खाना होता है, तुलना ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सूरज के सामने कोई टॉर्च जला दिया हो, इतना घटिया खाना बनाया। देखो ना, खा के देखो क्या बात है। सही बोल रही है मैडम, कैसा खाना, एकदम बकवास, वाहिया, चीप, थर्ड क्लास। काम मुसीबत है, झूठ बोलना पड़ता है हमको। अच्छा हुआ मलाइका को पता नहीं चला कि हम उसको सुनाने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे थे। बट वाकई शन्नो क्या खाना बनाती है, खा के देखो तुम। ना मलाइका क्या खिला रही थी हमको, इतना गंदा खाना भी, ये देखो ना क्या टेस्ट आ रहा है, मजा ही आ गया। बहुत जबरदस्त है भी मैडम, बहुत जबरदस्त खाना है। मलाइका दीदी, तुम तो वो होकर बता नहीं सकते थे मलाइका आ गई है दोबारा। सॉरी मैडम, सॉरी, हमको पता ही नहीं चला मैडम। तुमको पता नहीं चला? अरे संतोष जी आ गए। हाँ, इतनी सी चीज आ गई तो तुम्हें फटाक से पता चल जाता है, इतना बड़ा चीज यहाँ से आके चला गया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तो स्केचेस लाई थी रेडी। जितना जल्दी हो सके ना सारे पुलिस स्टेशन इन्फॉर्मर्स और सोर्सेस को बता दो, उनको ये फोटो भेज दो और उनके जहन में डाल दो कि ये दोनों दरिंदे हमको जल्द से जल्द चाहिए। यस मैडम। हेलो मैडम। हेलो हेलो, कहिए क्या मदद कर सकते? एक मिनट एक मिनट, आप दोनों से तो हम पहले मिल चुके हैं ना शायद, इसी थाने में? जी, वो आरती मेड एजेंसी वाले फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने कुछ दिन पहले आए थे। दरअसल हमारी मेड जब घर से भागी थी तो वो अपने पीछे अपना मोबाइल छोड़ गई थी, वो हमने आपको दिया था। हाँ हाँ हाँ, याद है। पूछो ना इनसे क्या हुआ हमारे उस कंप्लेन का, उस मोबाइल से कोई क्लू मिला उस फेक एजेंसी तक पहुँचने का? हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष शर्मा उसका पासवर्ड क्रैक कर रही है, जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। इन्हें बताओ ना कि असल में इत्तेफाक से हमें उस फ्रॉड मेड की पिक्चर मिल गई है, असल में वही तो देने आए हम। तुमने बताया क्या? एक मिनट, आपके पास उस मेड की फोटो है, प्लीज दिखाइए। हाँ जी मैडम, ये देखिए। क्या नाम बताया आपने इसका? बताओ ना जानू, शन्नू नाम है उसका। पुष्पा जी आप आइए ना, बैठिए और हमको बताइए कि कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा आपके चाचा के बेटे के, मासी के बेटे के, चाचा के लड़के का शादी? हाँ, शादी एकदम बहुत ही बढ़िया निपट गया, अच्छे से, मजा आ गया आपको? पता है तुमको संतु, वो लड़के की माँ जो थी ना, बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसी बहू मिली उसे। सास बस 5 मिनट के लिए भी कहीं बाहर जाके आती थी ना तो ये जो बहू थी पैर छू के प्रणाम करती थी हर बार। कैसे 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 कैसे? अम्मा ऐसे झुक के। हो गया, समझ गया। अब यहाँ देखो, इतने दिनों बाद आए हैं हम, फिर भी कोई ओना पौना पेरी पौना नहीं। अब फूटे भाग अब कार हुए, बोए काटे तो बबुल कहाँ से हुए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम आपकी सीनियर है, वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ पर वो आपके पैर कैसे छुएंगी? मतलब इशारा भी तो कर सकती थी ना पैर छूने का। नहीं पुष्पा जी, हमें बताइए पैर छूने का इशारा कैसे होता? ऐसे? कैसे? कैसे? ऐसे? हमको लगा ऐसे? ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब पैर पड़ रही कि डरा रही है हमें। So funny. चीता चतुर्वेदी। हाँ मैडम। तुमको हम कहे थे लिखने के लिए कि ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, ला दिखाओ। दिखा दिखा। नहीं मैडम, मैडम मैं हम लिखे हैं मैडम। हाँ लिखे हैं मैडम, हम लिखे हैं मैडम, हम लिख दिए हैं, हम लिख दिए मैडम, सॉरी मैडम। ये 1000 बार है। नहीं नहीं मैडम, वो ये बदनाम का रजिस्टर है, ये तो आपको आते हुए देख लिया चीता ने, इसलिए ये ले लिया है ना चीते। चलो अंदर।
अंदर बतियाएंगे आप? नहीं मैडम, चलो नहीं मैडम, आपको जो भी बतियाना है आप पब्लिक में बतियाइए। पिछला बार आप हमसे अकेले से पर्सनल में बतियाई थी, दो दिन तक हम आईसीयू में एडमिट थे। इस बार चार दिन तक रहोगे, चलो तुम अंदर चलो। मैडम मैडम अंदर चलो मैडम, तुम्हारी तो चीते। चल संतू अंदर चलो और बताओ तो केस में क्या हो रहा है आजकल। चलो क्या मलाई का काम छोड़कर चली गई? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, हे शिव जी, मलाई का काम छोड़कर चली गई। संतू तुम हमको पहले बता यहाँ चल क्या रहा है थाने में? थाने में क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा प्लान बना है मैडम सर ने कि मलाई का काम छोड़कर चली गई? तुमको नहीं पता संतू, मलाई का हमारे रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं तो हमारा घर नहीं। हम क्या करेंगे, कहाँ कैसे कैसे जिएंगे? घर पर जब हमने हमारी नई मेड को देखा, हमको लगा वो तो सिर्फ दो दिन के लिए आई होगी, क्योंकि मलाई का गाँव गई है ना। कैसे बताओ तुम हमको क्या हुआ, बताओ। बताती हाँ, मेड फ्रॉड एजेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा है ना? हाँ हाँ, आगे आगे आगे। हाँ अब क्योंकि मैडम सर ने प्रॉमिस किया था कि वो कैसे भी करके मलाइका को वापस ले आएंगी, और डीएसपी सर का भी ऑर्डर है, तो मैडम सर पूरी कोशिश करिए कि वो मलाइका वापस आ जाए। मतलब मलाइका वापस आएगी ना? हाँ शिव जी, मगर कुछ पता चला कौन लोग हैं सबके पीछे? हाँ पता चला ना, मेहनत की है मैंने इतनी। रुको अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। आप देखिए पुष्पा जी, ये है वो आदमी जो अपनी एजेंसी का एड देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में गया था, और ये है वो मेड जो वो कपल के घर पे काम करती थी, और वो कपल यहाँ आया था कंप्लेंट फाइल करने की। अरे आइए, आपका स्वागत है। तुम कौन? मैं शिंदे, आपकी नई मेड। संतू, इसे कहते हैं बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। नहीं नहीं नहीं, ढिंडोरा। हाँ वही संतू, वही। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है ना, वैसे ही हर केस पर उसे सुलझाने वाले का नाम लिखा होता है, और इस केस पर हमारा नाम लिखा है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह का नाम। अब ये केस हम सुलझाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा ये? हमने। तुम देखना संतू, ये केस आज ही सुलझ के रहेगा। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी क्या तुम? आप भाग रहे हो? हट मैडम, मैडम 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 मैडम, गलती हो गया मैडम हमसे। हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में उस अनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम, कसम से। हाँ भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम, लेकिन अपना मन में ना 8000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं। मन में सॉरी। नहीं फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु। का गड़बड़ हो गया मैडम? नहीं क्यों, इतने बड़े बड़े जो लेखक है, पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं, अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती? उन्होंने मन में सोचा लिखा तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप। बस तुम्हें भी अब 8000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, तुमको लिखना है। हाँ, नहीं, नहीं, मैडम, नहीं। और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको, समझ गए? हम लोग का तो 5000 पे डील डन हो गया था ना मैडम। हुआ था, तब तुम 5000 बार लिख देते तो 5000 रहता, अब वो 8000 हो गया है और तुमको 8000 बार लिखना है। मैडम 5500 कर लेते मैडम। तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? 8000 बार लिखना है मैडम, डन। ओके, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ। तुम तो कहीं के कहां बोले थे हम तुमको ये पहुंचाने के लिए? नहीं पहुंचाए। नहीं मैडम, जहां जहां बोली थी ना वहां वहां ही फोटो पहुंचा दिए हैं। बस अड्डा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह ही फोटो पहुंचाने के बाद से उसके बाद यहां पर रखे हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता इन लोगों को मैडम। पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको। ये ही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो? मैडम हमने देखा इनको। हा? 100% देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो कहाँ देखा है, हमको जल्दी बताओ।
ऐसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है? हर चीज की कीमत होती है। अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे। यानी कि आप तो समझ गए होंगे, बोले तो एकदम झकास। मैडम देंगी कुछ? मैडम प्लीज। समझ गए हम तुमको, जो चाहिए ना वो हम समझ गए। मिल गया, और चाहिए? अरे मैडम, हमने हसीना मैडम के साथ देखा है थाने के बाहर, देखा हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे। हसीना मैडम, करिश्मा सिंह, ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्या बात कर रही है मैडम सर, ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए, हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे। चीते तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में? ना हो गया बकलोली दोनों का। करिश्मा सिंह, ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं। इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई, लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया। संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही है और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक। तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने, हमको झूठ काहे बोलेगी? मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? कहा था ना जैन मैडम सर, अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा था ये, कब कहा? हमने कहा था और 100% सही कहा था। जो कि किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं हूं यूं चुटकियों में सुलझा दिया है। अंदर आओ। ये देखिए मैडम सर, यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी। ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने, के सुलझ गया। तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया। गुड जॉब पुष्पा जी। थैंक यू मैडम सर। ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप। ये हमारी मेड है शन्नो, जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है। हमें सब पता है, शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम सर ढूंढ रही थी। जी ये सच कह रही है, यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल, सुनील और रेखा, जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी। नहीं नहीं, हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी। जी तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है। जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी, क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? वाप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सच गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है बता रहे हैं तुमको, ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी हमें माफ कर देना, वो कहना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से है। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग है ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहन है ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और ना मेहनत के बल पर रिजक कमाएंगे। अच्छा और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई,
काय उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई। उस वक्त कुछ सूझाने और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था, तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ कौन है वो, कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम, गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया, आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम सर? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सानी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा, मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, हम उनको समझाएंगे क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं, और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेट की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है, और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, हा? चित भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, चार पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से चार पैसे? वो 4,000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा, और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम, कहाँ जाएं, कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना, 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए, जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ़, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का? मना किए थे ना? यस मैडम, यस। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। S.H.O हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए,
बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखा ना? देखा क्या? देखा मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट क्या चल रहा है? ये कौन है? ये हाँ यही है आपका गुनेगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम हम सबको माफ कर दीजिएगा ना प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो उसके लिए सजा भी मतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं। क्या तुम क्या खुश हो रहे हो? इन सबको माफ किया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट इंसान को माफ नहीं किया हमने, समझ गए? तुम देखोगे अब करिश्मा सिंह का भौकाल, कभी भी तुम अपना मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देगा, समझ गए? चीते लेके जाओ, चलो चलो। देखिए चलो, हो गया। आज तक आप सब जितनी ईमानदारी से अब तक अपना काम करती आई आगे भी वही करिएगा। हम जानते हैं कि आप ये काम तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए करती हैं, लेकिन आपके मन में जो सेवा और जो जज्बा होता है वो अनमोल है, और इस काम के लिए हम आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सर अब कुछ भी करके हमारे मलाइका को वापस लेके आइए। आपको पता नहीं मलाइका हमारी रीढ़ की हड्डी है मैडम सर। वो आ जाएगी मलाइका भी वापस आ जाएगी। मैडम सर आपसे एक बात पूछना था, आपने जो अंधेरे में तीर चलाया था ये खुशकिस्मती से सही जगह लग गया या फिर? नहीं करिश्मा सिंह, हमने बस जरूरतमंद की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। ये सारा खेल जरूरत का है, हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और हमने भी वही किया। एजेंसी वाले लोगों की जरूरत का फायदा उठाकर उनसे पैसे एडवांस में लेते थे, तो हमने इन गरीब मेड्स की जरूरत को पहचान लिया। आमदनी, वो आमदनी जो इस एजेंसी से पूरी हो रही थी। हमारे वीडियो वायरल करने की वजह से इनकी आमदनी रुक गई, क्योंकि लोगों ने ये चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया, और तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और नतीजा तो आप देख ही रही हैं। नहीं हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है मैडम, मैं समझाती हूँ। उफ़ ये माँ, मारी जो थी दर्द कर रहा है। एक और बात आपको कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। कोशिश करेंगे। वो आप झाड़ू और पोछा ना ठीक से नहीं लगाती हैं, ऐसा हम नहीं आपके डीएसपी अनुभव सिंह का कहना है आपका वीडियो देखकर। उनका क्या जाता है कहने में, बस एक बार करके तो देखे फिर पता चलेगा। अच्छा किया मैडम सर ने। जयन सर। जयन, अनुभव इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। दिस इज गोना बी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस में महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव, हमें इन्हें रोकना होगा, ये कामयाब नहीं होने चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा।
और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, एक दो दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मल्लिक से मिलने। किसी माल की डिलीवरी है। We have to keep an eye on his every move. Got it? जी सर। जय। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। हसीना जी, हमें आपसे कुछ निजी सिलसिले में वार्तालाप करनी थी। आशा करते हैं कि हमने आपको आपके काम के बीच में परेशान नहीं किया। नहीं नहीं सर, कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने आपको अपनी एक तस्वीर व्हाट्सएप की है। ओके, लेकिन किस लिए सर? हमारे विवाह के लिए। और किस लिए? हमारे विवाह के लिए। आपकी और हमारे निकाह के लिए? नहीं नहीं हसीना जी, हम आपसे विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सर, फिर किसी और लड़की को दिखाने के लिए आपने हमें क्यों तस्वीर भेजी है? दरअसल हमारी माता जी चाहती हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, इसलिए वो हमारी तस्वीर लड़की वालों को भेजना चाहती हैं। हमने वैसे अपनी एक सेल्फी ली है। आप तो हमारे चेहरे से परिचित हैं। तो जिस तरह आप सारे केसेस हल करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी भी समस्या हल कर दीजिए। हाँ सर, हम आपकी समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हसीना जी, जरा वही कर दीजिए जो आजकल के युवा दिन रात करते रहते हैं। टाइम पास? अरे नहीं नहीं हसीना जी, वो जो तस्वीर के साथ करते रहते हैं, जिसके प्रयोग के बाद चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके तस्वीर को फिल्टर करें। शत प्रतिशत सही कहा आपने। जी सर, हम कर देंगे। थाने पहुंचकर आपको फोटोज भेज देंगे। उत्तम, अति उत्तम, इंतजार रहेगा। और हसीना जी, यहाँ चेहरे को थोड़ा सा चमका दीजिएगा। श्योर सर। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप इतने ब्रेक क्यों मार रही हैं? थोड़ा ब्रेक आप भी लगा लीजिए। मतलब? मतलब ये कि बिजी रोड पे हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते ना गाड़ी। अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे। हाँ, कैसे समझेंगे आपका? सामने देखिए, आशिकी चल रहा है बीच सड़क पर। रुकिए करिश्मा सिंह, देखिए, हम मानते हैं कि इस तरह से सड़क रोकना गलत बात है, लेकिन ये प्यार का मामला है। प्यार में तो लोगों के दिमाग भी बंद हो जाते हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। जी नहीं, आप देख रहे हैं ना बीच सड़क पे क्या चल रहा है, ये सब देखो कैसा दिमाग खराब हो गया लड़का का। देखिए, प्यार का मामला बना हुआ है, बना रहने दीजिए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। प्रिया जी, एक मिनट। ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपके पति देव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माई डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपके पिया बन जाएं।
आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है, आइए देखते हैं। अरे यार क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए।